गाइज, आज जो हम देखने वाले हैं स्टेटिव वर्ब्स देखने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स तो आप सभी जानते हैं, वर्ब्स होती क्या हैं। एक हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं और दूसरा हम मेन वर्ब पढ़ते हैं, और कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इनकी खास पहचान ये होती है कि ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं की जाती हैं। इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, वे वर्ब्स जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखा हमने, स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इनका प्रयोग इनडेफिनिट टेंस में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम इनको कॉन्टिन्यूअस में यूज़ ना करके इनको हम यूज़ करेंगे इनडेफिनिट टेंसेज में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेटिव वर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, सी, हेयर, फील, स्मेल, टेस्ट, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं यही सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। वैसे तो इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं, बेसिकली आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये बड़ी कॉमन सी हैं और हम इनको जनरली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, और हमें ये बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिल जाती हैं। कोई हम टेक्स्ट पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो कभी कभी हम इनको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सी का मतलब होता है दिखाई देना, ये दिखाई पड़ना। हेयर का मतलब सुनना। फील का मतलब महसूस होना, अनुभव करना। स्मेल का मतलब महकना या खुशबू आना या सुगंध आना। हम टेस्ट का स्वाद लगना या लगाना, मीठा लगना, खट्टा लगना, कड़वा लगना, ये सभी टेस्ट की जो है फॉर्म्स होती हैं, और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लगना। अंडरस्टैंड, समझना, समझ में आना। तो अब रिमेंबर भी ऐसे ही होता है, रिमेंबर का मतलब होता है कि याद आना या याद करना। तो गाइज, हम जब भी बात करेंगे इन सभी के बारे में तो हमें ये ध्यान देना है कि ये कब कब अपनी फॉर्म्स को बदलती हैं, कब नहीं बदलती हैं। बेसिकली हम सीख रहे हैं स्टेटिव वर्ब्स जिनका हम यूज़ देखेंगे कि ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म नहीं होती हैं, कभी भी ये नहीं बदलती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल के लिए, मुझे वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है, तो आई सी ए बर्ड इन द ट्री। तो अगर मैं ये कहूँ सी का मतलब देखना होता है और दिखाई देना, तो सी हो जाना चाहिए था, लेकिन गलत है क्योंकि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। तो मुझे वृक्ष पर चिड़िया दिखाई दे रही है, आई सी ए बर्ड इन द ट्री। सेब मीठा लग रहा है, अब लग रहा है इससे ऐसा महसूस होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और मीठा लगना इसका मतलब टेस्ट की बात है, तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब यूज़ की जा रही है, द एप्पल टेस्ट स्वीट। तो टेस्टिंग नहीं हुआ, हो सकता था टेस्टिंग कर ले हम, द एप्पल इज टेस्टिंग स्वीट, वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर है द एप्पल टेस्ट स्वीट, तो इसका मतलब है जो सेब है वो मीठा लग रहा है। ऐसे ही देखते हैं तीसरा, मोनिका को ठंड लग रही है, तो यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लग रहा है ऐसा जैसे मानो कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसी हिसाब से हम इज एम आर, वॉज वर या फिर आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है, हमें यूज़ करना है मोनिका को ठंड लग रही है, तो मोनिका फील्स कोल्ड, तो फील्स में, फील में एस लग गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इनको यूज़ करेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है ये कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। वैसे ही देखें, अगर हम क्या तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है, तो डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो डू से स्टार्ट किया गया है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, तो डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, तो यहाँ पर हमने देखा अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब है। ऐसे ही अगर हम देखें, हमें उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो एक्शन हो रहा है लगातार, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हम कहेंगे वी हियर द साउंड ऑफ हर फुट स्टेप्स। तो यहाँ पर हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग नहीं होता कभी भी। तो स्टेटिव वर्ब्स की एक खास बात ये होती है कि वो कभी भी आईएनजी फॉर्म उसमें नहीं लगती है। मुझे गुलाब की महक आ रही है, तो आई स्मेल द रोज़। तो यहाँ पर स्मेलिंग हो सकता था जो कि गलत हो जाता,
लेकिन आई स्मेल द रोज मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया है। ऐसे ही अगर हम देखें, अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इन क्रियाओं में आईएनजी लगाकर कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, जो मैं बार बार हर टेंस में बता रहा हूँ आपको। अब इनमें कुछ अंतर देख लेते हैं। अब अंतर क्या है? अंतर ये देखना है कि निम्न वाक्य में अंतर देखना है। मुझे सड़क पर एक अंधा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है या दिखाई दे रहा है, तो आई सी ए ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, यहाँ पर ये सही है। अब यहाँ पर ये आई सी, सी का मतलब होता है देखना, ये दिखना या देखना। अब यहाँ पे सी से समझ में आता है कि देखना, ये एक स्टेटिव वर्ब है और इसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। तो हमने एक ऐसे ही आईएनजी फॉर्म यूज़ करके देखा, आई एम सीइंग ए ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, यहाँ पे सीइंग आ गया जो कि गलत हो गया। ऐसे ही कुछ अन्य क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है। मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि स्टेटिव होती हैं, जिनमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। जैसे लुक, लुक का मतलब प्रतीत होना या दिखाई देना, हेट घृणा करना या होना, लाइक पसंद आना, थिंक सोचना, बिलीव विश्वास करना, लव प्यार करना या होना, फॉरगेट भूलना या भूल जाना, डिसलाइक पसंद ना आना, नो मतलब जानना, विश या वॉन्ट का मतलब चाहना या इच्छा का होना। अब इस तरह की जितनी भी ये वर्ब्स होती हैं इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। अपीयर एंड सीम्स के बारे में जानते हैं। अपीयर एंड सीम, अपीयर तथा सीम दोनों का अर्थ है प्रतीत होना, दिखाई देना, पढ़ना या लगना। मतलब कोई भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं या प्रतीत होता है उसके लिए हम अपीयर या सीम लगाते हैं। सीम तथा अपीयर के बाद टू बी अवश्य आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इनका प्रयोग भी इंडेफिनिट टेंस में आता है, होता है, और अपीयर और सीम दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन इनमें टू बी का यूज़ किया जाता है। वह बड़ी चतुर लग रही है, तो वह बड़ी चतुर लग रही है, शी सीम्स टू बी वेरी क्लेवर। तो यहाँ पर टू बी का यूज़ किया गया है। अपीयर और सीम स्पेशल, हमें ये ध्यान देना है कि जब भी अपीयर का यूज़ किया जाएगा या सीम का यूज़ किया जाएगा तो इनके साथ में हमें टू बी का यूज़ करना है। टू बी, कपिल प्रसन्न प्रतीत हो रहा है, कपिल प्रसन्न प्रतीत हो रहा है, तो कपिल अपीयर्स टू बी हैप्पी या चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब भी प्रसन्न होना या खुश होना होता है। ऐसे ही तुम ईमानदार लगते हो, तुम ईमानदार लगते हो, तो यू सीम टू बी ऑनेस्ट। तुम ईमानदार लगते हो, यू सीम टू बी ऑनेस्ट, तो टू बी इसमें भी लगा दिया। तो सभी में, अभी ऊपर आप देख रहे हैं, सभी में टू बी का यूज़ किया जा रहा है। वह मूर्ख मालूम पड़ता है, तो या लगता है या प्रतीत होता है, तो ही अपीयर्स टू बी स्टूपिड। तो मूर्ख को इंग्लिश में हम स्टूपिड कहते हैं। तो गाइज, ये स्टेटिव वर्ब्स आज हमने देखी। आपको ये टॉपिक आज का कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे जो भी वीडियो डलते हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।